हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ओलम्पियाड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एज अ स्कूल स्टूडेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ओलम्पियाड्स को देख के आपको क्या फ़ायदा, आपको इससे क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, आप ये एग्ज़ाम्स क्यों दें? आप ये एग्ज़ाम्स दीजिए ताकि आपको आपकी एबिलिटी के बारे में पता चल सके, आपको पता चल सके कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने स्कूल्स में सीखा, कोचिंग में सीखा, ऑनलाइन वीडियोस में सीखा, उसे आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, वो आपके कितना, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को कितना समझा है और वो कॉन्सेप्ट्स आप उन पे आपकी पकड़ कितनी है और आप किस लेवल तक उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ओलम्पियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने चाहिए। आखिर में हमें भविष्य में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरना है, हमें नीट के लिए, IITs के एग्ज़ाम्स के लिए JEE Mains देना है, नाइजर के एग्ज़ाम्स के लिए देना है, आइजर के एग्ज़ाम्स के लिए देना है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ISI का एग्ज़ाम है, CMI का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन उसके लिए क्या लेवल चाहिए? क्या जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हैं उतनी मेहनत में आप सक्सेस पा जाएंगे? ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पीछे रह जा रहे हैं बाकी देश में जो बच्चे हैं, उनके मुकाबले आप कहाँ हैं? ये बातें आपको ओलम्पियाड्स, नेशनल लेवल ओलम्पियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताते हैं, जिनके बारे में ये वीडियो है। कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं, स्कूल गए, कोचिंग गए, सारा जो मटेरियल मिला, नोट्स मिला, सब कुछ याद कर लिया, बहुत मेहनत किए, सब कुछ याद कर लिया, एग्ज़ाम आया, सब कुछ वॉमिट किया, सब कुछ उस पर लिख दिया, मार्क्स ले आए, तालियाँ बजवा ली, एप्रिसिएशन A+ मिल गया, बस उतना ही तक। इस सर्कल के बाहर वो निकलते ही नहीं हैं। इस सर्कल के बाहर भी एक दुनिया है जिसके बारे में आपको जानना है, जिसमें आपको रियल कंपटीशन फेस करना है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रिपरेशन, कोई स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं होता आपके पास। ये ओलम्पियाड्स आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। इन सब, ये जो सर्कल है, इसके बीच में एक और चीज़ रह जाती है, पता है क्या? कॉन्सेप्ट्स। आपका, आपके कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ कितनी है, आपने कॉन्सेप्ट्स को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, बाकी के जो बच्चे हैं वो कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ओलम्पियाड देना चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट्स की गहराई हमें पता चलेगी, हमें रियल लाइफ में क्या फेस करना है, कैसे बच्चों से कॉम्पीट करना है, ये पता चलेगा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दो नेशनल लेवल ओलम्पियाड्स के बारे में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्कूल स्टूडेंट। तो उनमें से पहला है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 से लेकर 10 तक के बच्चे और 11-12 के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट सेंस के एग्ज़ाम्स के दिसंबर और जनवरी में होने वाले हैं इस साल। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 300 रुपये फीस लगेगी। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको बुक्स दिए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे इसके, इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेगा, आपके स्किल्स को टेस्ट करेगा, आपकी लॉजिकल और इंडक्टिव रीजनिंग को टेस्ट करेगा। इस एग्ज़ाम में आपको, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, और ये आपको वेबसाइट पर और अच्छे से दिखेगा, तो आप वेबसाइट पर जरूर जाइए। इसका कैश प्राइस भी है, 2 लाख रुपये है, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी क्लिक करके साइट पे जा सकते हैं। अगला एग्ज़ाम है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और इसके 2 स्टेजेस होते हैं। इसके लिए क्लास 10th के बच्चे अप्लाई करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, इसमें आपको रियल लाइफ कॉम्पिटिशन मिलेगा। और इसका भी फीस वही 200 के आसपास रहता है, इसका भी एप्लीकेशन फ़ी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियोस आएंगे और बाकी सब ओलम्पियाड्स के बारे में, इसके लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।